कई लोगों का ये सब भाव होता है कि ढेर सारी डालियां तोड़ के ले आते हैं और मोहल्ले में पत्तियां बांटते हैं और सोचते हैं मैंने पुण्य कमाया। नहीं नहीं, इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, कुर्म पुराण का। एक गिद्ध जंगल में रह रहा है और उस गिद्ध का पूरा परिवार जंगल के अंदर है। गिद्ध जंगल में है, गिद्ध का परिवार जंगल में है, वन में रह रहा है, वन विचरण कर रहा है। अब गिद्ध करता क्या है? उसका तो काम एक ही है, मांस नोचना, मांस को खाना। एक दिन गिद्ध जिस जगह से निकल कर जा रहा था तो वहां से चार संत निकल कर जा रहे थे बड़े भाव से। वो चारों संत हरि गुणगान करते करते चले जा रहे थे। भगवान का भजन करते करते, प्रभु का नाम लेते लेते चले जा रहे। संत तो संत है, जहां से निकलता है वो सुगंध फैलाता हुआ जाता है। एक बेकार व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति का संग और एक बेकार व्यक्ति का संग। बेकार व्यक्ति का संग नाली के कीचड़ के समान होता है। अगर नाली के कीचड़ को नहीं हिलाओगे, तुम सोचो कि ये बदबू नहीं मारेगा, तो भी वो नाली का कीचड़ उसके पास बैठे रहोगे तो वो बदबू मारेगा ही। और अच्छे व्यक्ति का संग इत्र की तरह होता है, वो जहां से लगा कर जाएगा उसके पास वाले को सुगंध जरूर देता हुआ जाएगा। तो उसके पास वाले को सुगंध जरूर देगा। अब भगवान की विरल भक्ति को जैसे जैसे आप धारण करते जाते हो वैसे वैसे फल मिलते जाते। अभी एक भैया एक बेटी को लेकर यहाँ आए थे, आप लोग दर्शन करे थे, उसको गोदी में उठाकर लेकर आए थे। इस बेटी को कभी अगर मौका मिले तो उस भैया से पूछना, उस भाऊ से बात करना। इस बेटी को लेकर वो सीहोर भी आए थे। जिस समय इस बेटी को लेकर सीहोर आए थे तब डॉक्टर ने इसको मरने की कतार पर छोड़ दिया था और कह दिया था कि ये, डॉक्टर ने कहा था कि ये अब मरने की कतार पर है, अब ये इसमें प्राण नहीं। कई महीनों तक इस लड़की ने भोजन नहीं किया, कई महीनों तक इस बेटी ने अन्न का दाना इसके मुंह में नहीं गया था, पानी भी नहीं पी पाती थी। आज वो बेटी को यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आए क्योंकि वो बेटी अब पानी भी पीने लगी है और भोजन भी करने लगी है, इसलिए उसको यहाँ ले आए। कि बाबा इतना संभाला है, प्राण छूटते हैं जीव के पर तड़प तड़प करना छूटे, ये हर एक व्यक्ति के मन के भाव होते हैं। शरीर मिला है उसका प्रयोग। पहले पूरी की पूरी लेटी रहती थी, शुद्ध नहीं थी, देखती नहीं थी। अब वो कह रहे थे कि इसमें थोड़ा ज्ञान आया, अब समझने लगी है, देखने लगी है और सब उसके मन का भाव भी जानती है। संगत का असर, आपके भजन का असर, आपकी भक्ति का असर,
जरूर होता है। बैठिए, भक्ति का असर जरूर होगा, संगत का असर जरूर होगा, वो छूटेगा नहीं। शिव कथा कह रही है कि गिद्ध ने चार संतों को जाते हुए देखा तो वो भजन करते करते जा रहे थे, स्मरण करते करते जा रहे थे, स्मरण करते करते राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण, राम कृष्ण हरि, राम जा रहे हैं, स्मरण करते करते हो जा। अब गिद्ध को लगा कि संत जा रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा ये क्या बात करते करते जा रहे हैं मैं जाऊं इसकी सुनते सुनते। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शिव महापुराण की कथा में आज तक नहीं गए। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शंकर को मानते नहीं थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शिव के मंदिर नहीं जाते थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं अगर पड़ोसी भी जल चढ़ाने जाता था तो हंसते थे, पर जब धीरे धीरे आप अच्छी संगति में आए और आपने शिव जी को पहचानना प्रारंभ करा तब बाबा को जान गए। अब बाबा को आप छोड़ते नहीं हो, बाबा का भजन करते। कल एक पत्र था, कोई विपिन जी हैं उन्होंने लिखकर भेजा था, नीचे इसमें रखा होगा, ढूंढेंगे समय लगेगा। उन्होंने उस पत्र में लिखा था, गुरुजी अब की बार हम कथा सुनने के लिए आए हैं तो 10 दिन के कपड़े लाए हैं, तो हम आपसे पूछे कि कथा तो धूलिया में 5 दिन की है, फिर 10 दिन के क्यों लेके आए हो? आगे कहाँ की तैयारी?